हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू रेडिस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू रेडिस क्लासेस। वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। दिस इज थर्ड लेक्चर। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। वी ऑलरेडी सॉ द टू मेथड्स, दिस इज द थर्ड मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो जो इसका हमने एक सम ऑलरेडी कल देखा था, अभी हम इसके कुछ एडवांस सम देखने वाले हैं ये लेक्चर में। तो हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है 9y² - 12y + 2। तो इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, वो ऑलरेडी दिया हुआ है। उसके बाद आप 9 है तो यहाँ पे 3 द होल स्क्वायर कर सकते हैं। 3 का स्क्वायर 9 होता है और y का स्क्वायर y स्क्वायर होता है। यहाँ पे नेगेटिव है तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, a - b² - 2ab + b² तो आपको ये फॉर्म में लाना है इसको। तो ऑलरेडी a हमें मिल गया, a का स्क्वायर हो गया। अभी हमें यहाँ पे माइनस चाहिए, ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है, इसके लिए मैंने माइनस का फॉर्मूला यूज़ किया। फिर हमें 2 चाहिए, तो यहाँ पे आप 2 लिख दीजिए। फिर हमें a चाहिए, a मतलब आपका ये ही है 3y। अभी हमें b चाहिए, b कैसे मिलेगा, इसको हम स्प्लिट कर रहे हैं एक्चुअली और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आप -12y ले लीजिए, ये मिडिल टर्म है, और इसको इससे डिवाइड दे दो, -2 × 3y। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा एंड कैंसिल हो गया, आपका खाली 2 बचा (2). अभी आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर -12y आएगा, 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12 और y, तो -12y - 12y। इससे इसकी जो वैल्यू अभी तक चेंज नहीं हुई। अभी आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको 9y² आएगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं, फिर हमें क्या चाहिए, प्लस b का स्क्वायर। यहाँ पे आपका ये 2 है, ये a है, ये b है, आपका ये a² आ गया यहाँ पे, यहाँ पे आपका 2 आ गया, यहाँ पे आपका a आ गया और यहाँ पे आपका b आ गया। अभी हमें क्या चाहिए, प्लस b का स्क्वायर चाहिए। तो b आपका 2 है तो 2 का स्क्वायर, और एक बार हम ऐड कर रहे हैं तो इससे इसका आंसर चेंज हो जाता है, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, -2² फिर जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिख देंगे, +2। एक बार ऐड करने से, एक बार लेस करने से उसका जो फाइनल आंसर है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसके लिए। और इसको हमने ऐड लेस क्यों किया, क्योंकि इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना था। a² - 2ab + b² का मतलब क्या होता है, a - b² तो यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन आपका क्या हो जाएगा, a - b² अभी आपका ये पार्ट है, आपको वो लिखना है -2² और 2² 4 हो जाएगा, +2 = 0, 3y - 2² इसको सॉल्व करेंगे तो -2 + -(n)(g)(-4) = 0। अभी -2 वहाँ चला रहेगा तो +2 हो जाएगा, 3y - 2² = 2, 3y - 2 √2 (+-√2). -2 आ जाएगा तो +2 हो जाएगा, 3y = 2 (+-√2). y 3y जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई से डिवीजन चला जाएगा। अभी प्लस माइनस है तो इसके दो आंसर होंगे, 2 + √2/3 और 2 - √2/3, आपके ये दो रूट्स मिल गए हमें। या एक और ऑप्शन है इसको सॉल्व करने का, एक और रास्ता है हमारे पास, अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं जमता है तो इसका एक शॉर्टकट भी है, वो यूज़ कर सकते हैं। बाकी का मेथड सेम रहेगा, इससे आपका ये स्टेप एलिमिनेट हो जाएगा खाली, -12y + 2। तो हम एक ऑल्टरनेटिव मेथड से भी देख लेते इसको कि कैसे एलिमिनेट करना है इसको। तो आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, तो उसमें एक्स प्लस बी बाय टू द होल स्क्वायर माइनस बी बाय टू द स्क्वायर प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, आपको इसको ऐसे फॉर्म में लाना है। और सबसे पहले आप पे आपको 9 को एलिमिनेट करना है, तो थ्रू आउट द इक्वेशन आप 9 का डिवाइड दीजिए, ऑलवेज यहाँ पे 1 होना चाहिए ये रूल यूज़ करने के लिए। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 9, तो 9y² अपॉन 9 माइनस 12y अपॉन 9 प्लस 2/9 इक्वल्स टू 0/9। 9 कट गया, 3 जा एंड 3 4 जा, ये तो कैंसिल नहीं होगा और वो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका y² माइनस 4/3y प्लस 2/9 इज इक्वल टू 0। अभी आप ये रिलेशन यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे x की जगह y यूज़ करना, आपको y टर्म दिया है, y वेरिएबल है, तो y प्लस, अभी यहाँ पे आपका 4/3 है, यहाँ पे माइनस यूज़ किया तो माइनस यूज़ कर लो, 4/3 है, इसको 2 से डिवाइड देना है, तो 1/2 का मल्टीप्लाई कर दो होल स्क्वायर, फिर माइनस बी मीन्स ये पार्ट है आपका b/2, तो 4/3 इंटू 1/2 द होल स्क्वायर प्लस 2/9। यहाँ पे ऑलवेज आपका माइनस आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन पे डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे प्लस दिया है तो हमने प्लस लिखा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हमने माइनस लिखा। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, वाई माइनस 2 1 ज़ा 2 एंड 3 1 ज़ा 3, 2/3 द होल स्क्वायर, सेम यहाँ भी सेम ही आएगा, 2/3 द होल स्क्वायर प्लस 2/9 इक्वल्स टू 0। अब इसको स्क्वायर करके प्लस कर देंगे दोनों को, y माइनस 2/3 द होल स्क्वायर माइनस 2^4 एंड 3^9 प्लस 2/9। इन दोनों को हम लोग प्लस माइनस माइनस कर लेंगे, y माइनस 2/3 द होल स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, और डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली कर सकते हैं हम लोग, 4 माइनस 2 2 और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर -4, तो y माइनस 2/3 स्क्वायर इक्वल्स टू 2/9, माइनस से वा गया तो प्लस हो गया, तो y माइनस 2/3 इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 2/9, y माइनस 2/3 इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 2 अपॉन 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। अभी y इक्वल्स टू 2/3 प्लस माइनस रूट 2/3, तो अभी आप देख सकते हैं सेम आपका आंसर आ रहा है, तो y इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 2 अपॉन 3 और 2 माइनस रूट 2 अपॉन 3। तो आप दोनों में से कोई भी एक मेथड यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये मेथड यूज़ कर रहे हैं तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है पहले, फिर इसका जो एक्स जो भी एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर जो भी टर्म है इसका स्क्वायर वाला, उसके साथ जो कॉफिशेंट है जो कांस्टेंट है वो ऑलवेज 1 होना चाहिए, वो 1 नहीं है तो आपको डिवाइड करके 1 करना पड़ेगा उसको, फिर वो करने के बाद आपको ये फॉर्म में उसको लिखना है, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते जाना है, फिर आप सॉल्व करते जाएंगे तो आपको दो आंसर मिल जाएंगे उसके। इसका एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, इज इक्वल टू 4x प्लस 7। हम अभी इसको ये तरीके से करते हैं,
तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओगे, 5x² प्लस है तो माइनस 4x प्लस है तो माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अभी आपको यहाँ पे 5 को हटाना है तो डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 5, 5x² बाय 5 माइनस 4 बाय 5x माइनस 7 बाय 5 एंड 0 बाय 5, 5 कैंसिल हो गया, x² माइनस 4 बाय 5x माइनस 7 बाय 5 इज इक्वल टू 0। आपका ये फर्स्ट स्टेप रहेगा कि आपको सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया हमने, एक स्टेप में ये किया और दूसरे स्टेप में 5 को यहाँ पे जो भी एक है उसको 1 करना है आपको। अभी 1 करने के बाद आपको ये फॉर्म में लिखना है उसको, तो सबसे पहले जो भी वेरिएबल दिया वो लिख दो, एक्स है, स्क्वायर नहीं लिखना आपको, जो भी साइन है वो लिख दो, जो भी नंबर दिया है 4/5 बी लिखना है आपको, और बी के साथ ऑलवेज 1/2 को मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको स्क्वायर करना है, फिर आपको ऑलवेज सेम पोर्शन कॉपी करना है, फिर से 4/5 इंटू 1/2 द होल स्क्वायर, फिर आपको जो थर्ड वैल्यू सी है वो यहाँ पे लिख देना है -7/5। पहले हमने जो भी वेरिएबल है वो लिखा, फिर इसके साइन माइनस है तो माइनस लिखी, फिर बी के साथ हाफ का मल्टीप्लाई किया, फिर स्क्वायर किया, फिर ऑलवेज माइनस आएगा यहाँ पे, फिर सेम ये पोर्शन को यहाँ पे आपको कॉपी करना है कि b/2 द होल स्क्वायर है, फिर यहाँ पे जो भी प्लस माइनस रहेगा, पे माइनस है तो माइनस सी आ गया, यहाँ पे प्लस था तो प्लस लिखा हमने। अभी इसको कैंसिल कर सकते हैं हम, क्रॉस भी कर सकते हैं, 2 1 2 2 2 1 2 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
होल स्क्वायर माइनस 2/5 स्क्वायर माइनस 7/5। अभी आपको सिंप्लीफाई करना है, x माइनस 2/5 स्क्वायर माइनस स्क्वायर कर दो 2^2 4 एंड 5^2 25 एंड 7/5। x माइनस 2/5 स्क्वायर, अभी हम दोनों को माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सबसे पहले हम इसको सेम कर देते हैं, तो इंटू 5 इंटू 5, तो 4/25 माइनस 7/5 = 35 / 25। डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा ऑलवेज आपको, अगर प्लस माइनस कर रहे हो तो। और जो भी नंबर का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे वो ऊपर नीचे दोनों में करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो 7/5 = 35 और 5/5 = 25। अभी दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हम प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स माइनस 2/5 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4/35 39/25 = 0। और साइन बड़े नंबर की, ग्रेटर नंबर की आएगी आपकी। अभी जो माइनस है उसको वहाँ भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, x माइनस 2/5 स्क्वायर = 39/25। अभी नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट x माइनस 2/5 = ± स्क्वायर रहेगा, तो प्लस माइनस आएगा आपका 39/25। अभी हमें इसको फैक्टराइज करना है, 39 का तो कोई स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, 13 3 39 होता है, दोनों बाहर नहीं आ सकते, तो 39 सेम रूट में रहेगा और 25 का आंसर आ जाएगा 5। अब ये प्लस 2/5 है, माइनस 2/5 है, वहाँ जाएगा तो प्लस 2/5 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 39/5। जब भी आपका ये प्लस माइनस आएगा तो हम दो बार लिखेंगे, एक बार पॉजिटिव द होल डिवाइडेड बाय 5 और नेगेटिव 2 - √39/5। अगर नीचे सेम है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, अदरवाइज आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा दोनों। ठीक है, अभी हम हमारा लास्ट मेथड को देखते हैं हम लोग, फार्मूला मेथड जो सबसे इजी है।
खाली वहाँ पे आपको फॉर्मूला अप्लाई करना, आपका आंसर आ जाएगा। अब कोई भी इक्वेशन को कोई भी मेथड से सॉल्व करो, आपका ऑलवेज आंसर सेम आएगा। और कुछ एग्जाम में मेंशन नहीं किया है तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो यहाँ पे आपको सिंपली एक फॉर्मूला याद रखना है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। यहाँ पे ए बी एंड सी क्या होते हैं वो ऑलरेडी हमने देखा था। स्टैंडर्ड फॉर्म में जो ए होता है वो यहाँ पे लिखना है, जो बी होता है और जो सी होता है। तो हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, प्रैक्टिस सेट 2.4 से क्वेश्चन नंबर टू, थर्ड क्वेश्चन, 3m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 7 इज इक्वल टू जीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कोई भी मेथड से कर सकते हैं, हम अभी क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपका काम क्या है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, ऑलरेडी दिया हुआ है तो कोई इशू नहीं है। और उसमें ए बी और सी आइडेंटिफाई करना है। ए क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर होता है वो ए, जो एक्स के साथ नंबर होता है वो बी, और जो रिमेनिंग है वो सी। तो यहाँ पे एक्स की जगह एम यूज़ किया, तो एम स्क्वायर के साथ जो नंबर है वो आपका ए बाय कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो आपका जो एम स्क्वायर के साथ नंबर है वो हो जाएगा आपका ए, एम के साथ जो नंबर है वो आपका हो जाएगा बी, और जो रिमेनिंग है वो आपका हो जाएगा सी। ऑलवेज यहाँ पे आपका जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं है तो जो नंबर है उसको यहाँ पे आप कैरी करो। तो आपका ये स्टेप हो गया, फिर आपको डायरेक्टली फार्मूला में डाल के सॉल्व करना है। तो एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू ए। तो एक्स इक्वल्स टू बी अपना क्या है, टू है, ऑलरेडी माइनस है तो माइनस आपको डालना है, फिर b लिखना है, b हमारा 2 है, प्लस माइनस अंडर रूट। रिकॉर्ड तो हुआ ना, तो b आपने यहाँ पे लिख दिया, तो माइनस था तो ऑलरेडी माइनस हमने यहाँ पे डाल दिया, और रूट बी स्क्वायर, बी 2 है, 2 स्क्वायर माइनस है ऑलरेडी, फिर 4 है, 4 लिख दो, इंटू a, a हमारा 3 है, इंटू c, सी हमारा माइनस 7 है, द होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए, ए हमारा 2 है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, माइनस टू एंड टू टू ज़ा 4 हो जाएगा। अब डायरेक्टली कैंसिल मत कर देना, यहाँ पे प्लस माइनस है तो कैंसिल नहीं होगा, प्लस माइनस अंडर रूट टू स्क्वायर 4 माइनस, सबको मल्टीप्लाई कर देना हमें, 7 थ्री ज़ा 21 इंटू 4, तो 4 इंटू 7 थ्री ज़ा माइनस 21, फोर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 वन ज़ा 4 एंड 4 टू ज़ा 8 बाय 4। एक्स इक्वल्स टू माइनस टू प्लस माइनस अंडर रूट 88
बाय फोर, एक्स इक्वल्स टू माइनस टू प्लस माइनस, इसको फैक्टराइज कर दो आप, टू 44 ज़ा टू, टू ज़ा फोर, टू टू ज़ा फोर एंड टू वन ज़ा टू, टू वन ज़ा टू, इलेवन वन ज़ा इलेवन, तो टू इंटू टू इंटू टू इंटू इलेवन बाय फोर। पैरिंग आपको करनी है दो दो नंबर की, एक ही पैर बनेगा यहाँ पे, माइनस टू प्लस माइनस टू बाहर आ जाएगा और आपका रूट में क्या बचा, टू इंटू इलेवन 22 और नीचे फोर है। अब यहाँ भी टू, यहाँ भी टू है, तो आप टू कॉमन ले सकते हैं। तो उसको हम अलग से सॉल्व करते हैं, एक बार पॉजिटिव ले लो और माइनस टू माइनस टू रूट 22 बाय फोर, या तो करोगे तो भी चलेगा या एक स्टेप बढ़ा के टू कॉमन ले लो, तो यहाँ पे वन, यहाँ पे मैंने माइनस टू कॉमन लिया तो अंदर की साइन चेंज, ये प्लस है, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अगर आपको साइन चेंज नहीं करनी है तो आप टू कॉमन ले लो, हम टू ले लेते, चलो बाय फोर और माइनस वन माइनस टू रूट 22 बाय फोर, टू वन ज़ा टू, टू ज़ा टू, वन ज़ा टू, टू ज़ा, तो आपका ये फाइनल आंसर आ गया, माइनस वन प्लस रूट 22 बाय टू और माइनस वन माइनस रूट 22 बाय टू, तो आपके दो रूट्स आ गए, माइनस वन माइनस रूट 22 बाय टू। इसके ऊपर एक और सम देखते हैं हम, वाई स्क्वायर प्लस वन बाय थ्री वाई इज इक्वल टू टू। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ला दीजिए पहले और थ्री को हटा देते नीचे से हम, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय थ्री, थ्री इंटू वाई स्क्वायर प्लस वन अपॉन थ्री वाई इंटू थ्री इक्वल्स टू टू इंटू थ्री, थ्री थ्री कैंसिल हो गया, थ्री वाई स्क्वायर प्लस वन वाई और टू थ्री या सिक्स माइनस है या आएगा तो प्लस, सॉरी प्लस है तो या आएगा तो माइनस इज इक्वल टू जीरो। तो अभी आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, अब आपको कंपेयर करके ए और बी और सी लिखना है। बाय कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, तो वाई स्क्वायर के साथ जो नंबर है वो आपका ए हो जाएगा, जो वाई के साथ जो नंबर है वो कुछ नहीं है मतलब वन, वो आपका बी हो जाएगा और जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपका सी हो जाएगा। ए इक्वल्स टू थ्री, बी इक्वल्स टू वन एंड सी इक्वल्स टू माइनस वन माइनस सिक्स। आपको साइन भी कंसिडर करनी है। अभी आपको फॉर्मूला में डाल के आंसर निकालना है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। बी वन है तो माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मीन्स वन स्क्वायर, फिर माइनस, फिर फोर इंटू ए, ए थ्री है
इंटू सी, सी हमारा माइनस सिक्स है, अपॉन टू इंटू ए, ए हमारा थ्री है, माइनस वन, प्लस माइनस अंडर रूट वन स्क्वायर वन, माइनस फोर थ्री जा ट्वेल्व, इंटू माइनस सिक्स, अपॉन टू थ्री जा सिक्स, माइनस वन प्लस माइनस वन माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ट्वेल्व सिक्स जा सेवेंटी टू बाय सिक्स, माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट सेवेंटी थ्री बाय सिक्स। तो भी इसका तो फैक्टराइजेशन ही होगा, तो आप डायरेक्टली लिख दो, माइनस वन प्लस रूट सेवेंटी थ्री बाय सिक्स, और माइनस वन माइनस रूट सेवेंटी थ्री बाय सिक्स, कुछ कैंसिलेशन भी नहीं होगा। एक और सम देखते हैं इसके ऊपर, क्वेश्चन नंबर सिक्स। फाइव एक्स स्क्वायर प्लस थर्टीन एक्स प्लस एट इज इक्वल टू जीरो, ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो बाय कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ए हमारा एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर है फाइव, बी जो एक्स के साथ नंबर है थर्टीन, और जो रिमेनिंग नंबर है वो हमारा सी हो जाएगा। अभी फॉर्मूला अप्लाई करना है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू ए, माइनस थर्टीन ऑलरेडी माइनस है, अंडर रूट बी स्क्वायर थर्टीन स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए फाइव है और सी एट है बाय टू इंटू ए फाइव, माइनस थर्टीन प्लस माइनस थर्टीन स्क्वायर वन सिक्सटी नाइन, माइनस फाइव फोर जार ट्वेंटी इंटू एट, और नीचे आ जाएगा टेन, माइनस थर्टीन प्लस माइनस अंडर रूट 169 माइनस 28 जा 160 बाय 10, माइनस 13 प्लस माइनस 169 माइनस 169 बाय 10, 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा बाय 10, तो माइनस थर्टीन प्लस थ्री बाय टेन, और माइनस थर्टीन माइनस थ्री बाय टेन, माइनस थर्टीन प्लस थ्री, प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, थर्टीन माइनस थ्री टेन बाय टेन, और माइनस माइनस प्लस थर्टीन प्लस थ्री सिक्सटीन साइन ऑफ ग्रेटर नंबर थर्टीन, माइनस
माइनस टेन अपॉन टेन कैंसिल हो जाएगा, वन माइनस वन और माइनस सिक्सटीन बाय टेन, इसको कैंसिल कर सकते हैं हम टू से, टू फाइव ज़ा टू एट ज़ा, तो माइनस एट बाय फाइव। अभी हम क्वेश्चन नंबर वन को देखते हैं। आपके सारे मेथड्स कंप्लीट हो गए हैं, आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करिए, आप कोई भी क्वेश्चन को किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। का क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं, इसमें क्या करना है हमें, कंपेयर करना है जनरल फॉर्म से और ए और बी और सी लिखना है, वो ऑलरेडी हमने देखा हुआ है, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। आपको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है और इसको कंपेयर करना है, ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है तो हमें इसको कंपेयर करना है बाय कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। अभी आपके जो एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है वो आपका ए होता है, यहाँ पे कुछ नहीं तो वन हो जाएगा। एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है वो आपका बी और जो रिमेनिंग है वो सी, तो यहाँ पे आपका ए कितना हो गया वन, बी माइनस सेवन एंड सी फाइव है। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम इसके ऊपर, टू एम स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव एम माइनस एम। सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है उसको, टू एम स्क्वायर माइनस फाइव एम प्लस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसको कंपेयर करना है बाय कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। एम स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है वो आपका हो जाएगा ए, एम के साथ जो वैल्यू है वो बी और जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपका हो जाएगा सी। आपको साइन भी कंसिडर करनी है, यहाँ पे माइनस फाइव तो माइनस फाइव आ गया, प्लस फाइव प्लस फाइव और प्लस टू प्लस टू। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सेवन वाई। सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है उसको, तो वाई स्क्वायर यहाँ आएगा तो माइनस सेवन वाई प्लस जीरो इक्वल्स टू ज़ीरो, कुछ नहीं है तो उसके जगह हम जीरो डाल देंगे। कंपेयरिंग बाय कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। वाई स्क्वायर के साथ जो वैल्यू वो आपका ए हो जाएगा वन, कुछ नहीं है तो बी माइनस सेवन और सी यहाँ पे ज़ीरो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसके ऊपर हम, सपोज आपको दिया है जेड स्क्वायर, तो सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है उसको, जेड स्क्वायर प्लस जीरो जेड प्लस जीरो इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ पे बाय कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो, जेड के साथ जो नंबर है वो आपका हो जाएगा ए, जेड के साथ जो नंबर है वो बी और रिमेनिंग सी। तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना नहीं है तो उसके जगह जीरो डालना है और आपको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कंप्लीट करना है। इसी के साथ ही हमारा प्रैक्टिस सेट 2.4 कंप्लीट हो जाता है और हमारा अभी 2.5 और 2.6 पेंडिंग है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।